हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे फैक्ट्री में। मैं सोनू और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसएलवी की तरफ से एक्स सीरीज का एम्पलीफायर, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास। अगेन यहां पर बात की जाए मॉडल नंबर की तो एक्स सेट मॉडल एसएलवी की तरफ से मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बात करेंगे इसको कैसे खरीद सकते हैं, कितनी वोल्टेज निकाल के दे रहा है, कितने ओम्स पर, साथ में यहाँ पर आपको प्राइसिंग भी देकर जाऊंगा, पूरी डिटेल के अंदर ये वीडियो दूंगा, टेस्टिंग भी दूंगा, बहुत तसल्ली के साथ बहुत लंबी टेस्टिंग की है, काफी ज्यादा मजा आने वाला आज की वीडियो में। तो बिना देर करे करते हैं वीडियो को शुरू। शुरू करने से पहले मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली सेकंड पैकिंग यहां पर आपको ये देखने के लिए मिलती है। इससे पहले मैंने आपको इसकी मेन पैकिंग दिखाई थी, उसके बाद सेकंड पैकिंग ये आती है, ये इसके बाद आपका एम्पलीफायर निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एसएलवी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। द एक्स सीरीज का मॉडल नंबर रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक एम्पलीफायर यहाँ पर मुझे लगा तो इसीलिए मैंने इसको खरीदा। और हाँ, मेन बात ये कि खरीदा कैसे है, तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो अगर आप भी एसएलवी इंडिया के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो जल्दी से प्ले स्टोर से एसएलवी इंडिया के ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐप एसएलवी इंडिया का ऐप प्ले स्टोर पर आ चुका है। नए नए अपडेट्स, जितने भी प्रोडक्ट एसएलवी इंडिया के लॉन्च होने वाले हैं, जो हुए हैं अपडेट, रेट्स अप डाउन रेट्स जो चलते हैं मार्केट के अंदर, आपको एग्जैक्ट प्राइस का अनुमान हो जाएगा एसएलवी इंडिया के ऐप से। अगर आप भी एसएलवी इंडिया के ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी एसएलवी इंडिया के ऐप से ही इस एम्पलीफायर को खरीदा है। सबसे पहले मैंने एसएलवी इंडिया का ऐप डाउनलोड करा, अगेन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे को पूरी लिस्ट खुल के आ गई, एम्पलीफायर स्पीकर हर चीज़ की लिस्ट थी दोस्तों, लाइट से लेके डीजे लाइट डीजे मिक्सर सब चीज़ की लिस्ट थी। तो एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट थी, तो सबसे पहले मैंने एम्पलीफायर का प्राइस देखा, बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली एम्पलीफायर था, तो जल्दी से मैंने इसको खरीद लिया, बुक कर लिया। अगेन आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं आप लोगों को एक एक डिटेल पर नज़र डलवाना चाहूँगा, और लास्ट में फाइनली मैं आप लोगों को टेस्टिंग भी भर भर के देना चाहूँगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं बाकी डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली ये एम्पलीफायर रहने वाला है, एक्स सीरीज़ का एम्पलीफायर है, जो कि एसएलवी की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। मॉडल नंबर की बात की जाए तो एक्स सेट मॉडल नंबर यहाँ पर रहने वाला है। ये जो आप एक्स मॉडल बना हुआ देख रहे हैं, ये एक्स सीरीज़ को दर्शाता है दोस्तों। प्योर एल्युमिनियम के अंदर ये पूरा फ्रेम यहाँ पर दिया गया है। कहीं ऑन ऑफ स्विच की बात की जाए तो पूरे तरीके से हैंडल्स के नीचे यहाँ पर सेव कर दिया गया है। देन वहीं बात की जाए इस मॉडल के बारे में, तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा अपडेट है अदर मॉडल्स के, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक यूनिक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिली कि अगर मैं एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स घटाने बढ़ाने पर इंडिकेटर एलईडी दी गई है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाना चाहूँगा। जैसे जैसे आप वॉल्यूम्स बढ़ाएंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम रखेंगे उतना इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो इतने इतने इंडिकेटर मिलेगा, हाफ करता हूँ तो इतना मिलेगा, मतलब जितना आप खोलेंगे उतना ही मिलेगा दोस्तों। देन यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अपडेट मॉडल यहाँ पर लगा, कुछ ये मॉडल यहाँ पर रहने वाला है। देन वहीं बात की जाए एसएलवी की ब्रांडिंग ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी बैक साइड की तरफ और दिखाता हूँ आपको इसको बैक साइड से भी। दोस्तों अगेन यहाँ पर बात करते हैं एम्पलीफायर की बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैक साइड का पैनल कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर इनपुट्स और आउटपुट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर सेंसिटिविटी दिया गया है, यहाँ पर आपको ऑपरेशन मोड दिया गया है स्टीरियो पैरेलल ब्रिज करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर हाई पास का वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पर लो पास के लिए क्रॉसओवर दे दिया गया है, लिमिटर और ग्राउंडिंग। देन वहीं आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर सॉकेट्स, जो कि आउटपुट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर बनाना सॉकेट्स देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर आपको चैनल ए का सॉकेट और चैनल बी का सॉकेट देखने के लिए मिलता है। देन वहीं बात की जाए यहाँ पर ये जो सॉकेट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये है ब्रिज मोड के लिए,
जो कि स्पीकॉन लगाते हैं यहाँ पर ब्रिज मोड के लिए, यहाँ पर सॉकेट देखने के लिए मिलता है, देन यहाँ पर बनाना केबल्स देखने के लिए मिलती है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्यूज़, देन एक फ़ैन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है और एक फ़ैन इधर, और दो फैन आपको आगे देखने के लिए मिल जाते हैं इस मॉडल के अंदर। और बात की जाए यहाँ पर पावर कोड की, तो काफ़ी हैवी पावर कोड कंपनी ने यहाँ पर दी है, 2 कोर की केबल दे दी है, तो यहाँ पर आपको दे दिया है कंपनी ने एक नॉर्मली प्लग जो आप लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाला है, और नॉर्मली देखने में, क्योंकि हम लोगों के यूज़ में ये आने वाला है, नॉर्मली वैसे नहीं है कि नॉर्मल हो गया, प्लग काफ़ी अच्छा है, वायरिंग काफ़ी अच्छी है। तो देन आप चलते हैं जल्दी से और जान लेते हैं इसकी कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स, आप चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं कि कितने ओम्स पर कितनी वोल्टेज निकालकर कितने डैम्पिंग फैक्टर पर ये एम्पलीफायर हमें देने वाला है। तो बिना देर करे बढ़ाते वीडियो को आगे। अगर आज की स्पेसिफिकेशन और आज का कंटेंट आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर करना, और कोई कमी लगी हो तो भी कमेंट करना। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी की तरफ से हमें एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलता है, आप जल्दी से देख कर मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज। तो दोस्तों SLV कंपनी ने जो यहाँ पर एक्स सीरीज के अंदर जो मॉडल लॉन्च किए, वो मॉडल लॉन्च किए हैं 4 मॉडल, X2, X3 और X5 और X8। X8 जो है सबसे बड़ा एम्पलीफायर है X सीरीज के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले X8 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों बात की जाए यहाँ पर 2 ओम्स की, तो 2 ओम्स पर आउटपुट निकल के मिलता है, एक चैनल के ऊपर आपको 4000 और दूसरे चैनल पे 4000, यानी कि 8000 वोल्ट का 2 ओम्स के ऊपर ये पूरा लोड आपको दे देता है। देन यही बात करते हैं हम लोग 4 ओम्स की, तो 4 ओम्स पर आपको मिलता है 3400 प्लस 3400। जी हाँ दोस्तों, 3400 प्लस 3400 के अंदर ये एम्पलीफायर आपको आउटपुट निकाल के देता है @ 4 ओम्स पर। देन बात करते हैं यहाँ पर 8 ओम्स की, तो 8 ओम्स पर हमें ये एम्पलीफायर निकाल के देने वाला है 2000 वॉट, यानी 2000 वॉट 8 ओम्स के ऊपर आपका ये एम्पलीफायर 8 ओम्स पर 2000 वॉट वर्क करने वाला है पर चैनल। देन बात की जाए 8 ओम्स के ब्रिज मोड की, तो 6400 वॉट 8 ओम्स के ब्रिज मोड पर ये एम्पलीफायर आपको निकाल के दे देता, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज का ये एम्पलीफायर होने वाला है। देन वही बात करते हैं हम लोग 4 ओम्स की, तो 4 ओम्स पर 8000 वॉट ब्रिज मोड के अंदर आपको ये दे देता है निकाल कर, 4 ओम्स पर 8000 वॉट की आउटपुट के साथ ये एम्पलीफायर आपको मिलने वाला है। उसी के साथ साथ बात करते हैं इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका रहता है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ तक, ये एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स रहता है दोस्तों। देन बात करते हैं इसके SN रेशो की, तो 100 dB SN रेशो देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पर। फाइनली बात आती है डैम्पिंग फैक्टर की, तो दोस्तों डैम्पिंग फैक्टर आपको मिलता है पूरा 1000। जी हाँ दोस्तों, 1000 डैम्पिंग फैक्टर के अंदर ये एम्पलीफायर आपका होने वाला है। तो दोस्तों ये थी इस एम्पलीफायर की कुछ स्पेसिफिकेशन, बाकी डिटेल्स के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। तो अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, बिना देर करे डालते हैं इसके ऊपर लोड। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं टेस्टिंग की तरफ। तो यहाँ पर 4 फीट की कैबिनेट RCF पैटर्न के अंदर कैबिनेट है, और हमने इसके अंदर डाले हैं PD1850 2000 वॉट के 4 स्पीकर, और 5 इंची वॉइस कॉल के अंदर ये स्पीकर रहता है, प्लैटिनम सीरीज़ का स्पीकर है ODX की तरफ से। और अब हम लोग इसका लोड डालने वाले हैं X8 के ऊपर, और चलते हैं अब टेस्टिंग की तरफ। Although we are worlds apart, music is what keeps us together, and I am sending this message to all my human friends, and I want you to witness the powerful bass, crystal clear mids, and crispy highs, powered by... तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो के अंदर टेस्टिंग, एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग
और पूरी डिटेल्स के साथ मैं बात कर चुका हूँ। टेस्टिंग भी खूब भर भर के लिए, आप लोगों ने काफ़ी मज़ा लिया, अगर मज़ा लिया हो तो बिना लाइक करे मत जाना। और जिन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कंटेंट ऐसे ही मिलते रहेंगे और प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट आपको डीजे फैक्ट्री चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपका भाई सोनू हमेशा आप लोगों के लिए नया से नया कुछ लाने की कोशिश करता रहता है। तो इसी के साथ साथ मिलता हूँ, सॉरी। तो दोस्तों अगर आप भी इस एम्पलीफायर को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो एम्पलीफायर तो कंपनी की वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदर आपको प्ले स्टोर पर, आपको एक काम ज़रूर करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर SLV का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वो ऐप आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको हमेशा अंदाज़ा रहे कि हाँ भाई कौन सा प्रोडक्ट क्या रेट का चल रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि इसका प्रोडक्ट का रेट क्या चल रहा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए और एम्पलीफायर का रेट जान लीजिए। आई होप आज की वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। मिलता हूँ इसी तरीके की किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।